हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है जहां पर जहन्नम का दरवाजा मौजूद है। इस मुल्क को दुनिया का दूसरा शुमाली कोरिया भी कहा जाता है। वसी एशिया का ये मुल्क इंतहाई तारीखी अहमियत का हामिल एक इस्लामिक मुल्क है। इस मुल्क में कदीम तरीन मंगोलों के शहर भी मौजूद है। इस मुल्क के पास दुनिया के कुदरती तेल और गैस के भारी खजाने मौजूद है। इसके बावजूद ये मुल्क गरीब ममालिक की फहरिस्त में शुमार किया जाता है। इस मुल्क के हैरत अंगेज और चौंका देने वाले हकाइक को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सेंट्रल एशिया में बसा हुआ ये हैरत अंगेज मुल्क जिसका नाम तुर्कमानिस्तान है। तुर्कमानिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है और इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ तुर्कमानिस्तान है और इसको तुर्कमान भी कहा जाता है। तुर्कमानिस्तान दो अल्फाज से मिलकर बना है, तुर्क और मेनिस्तान, जिसका मतलब है तुर्कमान लोगों की सरजमीन। तुर्कमानिस्तान का कुल रकबा 491,210 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 52 नंबर पर शुमार किया जाता है। तुर्कमानिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 70 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया में 113वें नंबर पर मौजूद है। तुर्कमानिस्तान के पड़ोसी ममालिक में उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान जैसे ममालिक शामिल है, जबकि इसकी एक सरहद पर बहरे कैस्पियन भी वाकया है। तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम अशगबत है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है और इस शहर में तकरीबन 13 लाख अफराद बसते हैं। बात तुर्कमानिस्तान की तारीख की जाए तो बरे सगीर और अरब के चंद हिस्सों के साथ साथ इस पूरे खित्ते पर 569 कबले मसीह अगा मंशी सल्तनत कायम थी, जो कि पूरी दुनिया की वसी तरी सल्तनत का दर्जा रखती थी। ये सल्तनत रूमी सल्तनत के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाली सल्तनत थी। इसकी बुनियाद ईरानियों से हुई थी और इस सल्तनत के बानी का नाम साइरस आजम था और आग की पूजा इस सल्तनत का सरकारी मजहब था। इस सल्तनत का आखिरी बादशाह दारा सोम था, जिसका मुकाबला 330 कबले मसीह सिकंदर आजम से हुआ था और सिकंदर आजम ने 303 कबले मसीह में इस सल्तनत का खात्मा कर दिया था और इस रियासत के सभी शहरों को आग लगा दी थी। आज भी ये शहर अपनी बाकियात के साथ यहाँ पर मौजूद है। इस सरजमीन पर मंगोलों ने भी लंबे अरसे तक हुकूमत की थी और इनके बाद अमीर तैमूर ने भी इस इलाके पर अपना कब्जा जमाए रखा था, जबकि 1507 ईस्वी में तैमूरी सल्तनत का चिराग भी बुझ गया। इसके बाद यह खित्ता फारसी सल्तनत का हिस्सा बना। इसके बाद तुर्कमानिस्तान ने रूस के साथ इत्तेहाद कर लिया और सन 1925 में ये तुर्कमान स्वेत यूनियन जमहूरी हो गया और स्वेत यूनियन के टूटने के बाद तमाम इस्लामी रियासतें आजाद हुई और सन 1991 में तुर्कमानिस्तान ने रूस से आजादी का ऐलान कर दिया और 26 दिसंबर सन 1991 को तुर्कमानिस्तान की आजादी को तस्लीम कर लिया गया और तुर्कमानिस्तान को सबसे पहले पाकिस्तान ने तस्लीम किया था। तुर्कमानिस्तान में सबसे ज्यादा तुर्कमान नस्ल के लोग आबाद हैं, जो कि मुल्की आबादी का 85% है। 5% यहाँ पर उज्बेक, 4% रूसी और 6% दीगर नस्लों के लोग आबाद हैं। तुर्कमानिस्तान का सरकारी और कौमी मजहब इस्लाम है, जबकि यहाँ पर 10% ईसाई और 1% दीगर मजाहिब के लोग भी आबाद है। तुर्कमानी यहाँ की सरकारी जुबान है। इसके अलावा यहाँ पर रशियन, उज्बेक, कजाक, फारसी, तातारी, यूक्रेनी और बेलारूसी जुबानें भी बोली जाती हैं। तुर्कमानिस्तान की जरिए माशियत का इन्हिसार कुदरती तेल और गैस की पैदावार से है और तुर्कमानिस्तान में दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के जखायर मौजूद हैं। तुर्कमानिस्तान का बहुत सारा रकबा सहरा पर मुश्तमिल है और इसी सहरा में कुदरती तेल और बेशुमार मादनी जखायर भरे पड़े हैं। दोस्तों, सन 1991 में तुर्कमानिस्तान के पहले सदर मुराद मियां ज़ाफ़ ने ऐलान किया के अवाम के लिए बिजली, गैस और पानी बिल्कुल मुफ्त है और अवाम में ये सदर इस कदर मकबूल थे कि ये सदर सन 1991 से लेकर सन 2006 तक अपने ओहदे पर फाइज रहे और इनके दौर में रेडियो, सिगरेट और शराब नोशी पर सख्त पाबंदी आई थी। तुर्कमानिस्तान में बेशुमार खूबसूरत और तारीखी जगह भी मौजूद है, मगर यहाँ टूरिस्ट की तादाद बहुत कम ही आती है। दोस्तों, आपने डोर टू हेल यानी जहन्नम का दरवाजा
नाम तो सुना होगा, तुर्कमानिस्तान में 69 मीटर कुतर और 30 मीटर गहराई वाला एक घड़ा मौजूद है और लोगों के मुताबिक इस घड़े का ताल्लुक जहन्नम से है, मगर हकीकत इसके बरअक्स है। सन 1971 में गैस के जखायर दरियाफ्त के बाद इस कुएं में हादसा हुआ और इंजीनियर्स ने इस कुएं में आग लगा दी, जो कि पिछले 50 सालों से जल रही है और इस जगह को देखने के लिए आज तक 50,000 लोग जा चुके हैं और ये इलाका एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। तुर्कमानिस्तान में 15% आबादी सनती, 46% ज़राअत, 18% सरकारी, जबकि 20% अपने कारोबारों से मुंसलिक हैं। तुर्कमानिस्तान में हर तरफ आपको सफेद पत्थरों से बनी बिल्डिंग्स नजर आती हैं और यहाँ की सड़कें अक्सर वीरान होती हैं और यहाँ के कई शहरों को शहरे खामोशा कहा जाता है। यहाँ पर किसी भी तरह जिंदगी की रौनक दिखाई नहीं देती और अक्सरियत लोगों की इसे दुनिया का दूसरा शुमाली कोरिया कहते हैं। तुर्कमानिस्तान में बहुत सी चीजों पर पाबंदी आयद है और यहाँ पर अय्याशी का तो कोई सोच भी नहीं सकता। तुर्कमानिस्तान में रेलवे का बेहतरीन निजाम मौजूद है और यहाँ पर 26 एयरपोर्ट्स भी मौजूद हैं। तुर्कमानिस्तान में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को मनात कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको तुर्कमानिस्तान? वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।